इंसान को जहालत से निकालकर, अंधेरे से निकालकर, किरदार है हक पे, राह है नूर पे निकालने का ये मनसब पैगंबर पे है, ये एक है। दूसरा पैगंबर क्या है? युअल्लिम हुमुल किताब, वो आकर तुम्हें किताब इलाहिया की तालीम देगा। कि इसलिए देगा कि वो जो पहले मुकम्मल शरीयत हो। तो आप
का नायब पैगंबर के ऊपर लाजिम था, जहां तक पैगंबर ने शरीयत को लाया था उसी शरीयत को हिफाजत देना, उसी शरीयत की मुहाफजत करना, तारीख गवाह है इसी शरीयत इस तरह ने हिफाजत किया। 25 साल रोशन शीरियाली वाली जिसकी ताकत शुजात खुद खुदा मुतरिफ है, खुद रसूल मुतरिफ था शुजात है, उस अली ने ऐसा सबर किया जैसा मौला फरमाते मैं इस तरह सबर किया वो या मेरे खलक पे हड्डी फंस गई। हसन मुस्तफा ने इस तरह सबर किया क्यों? जमाने का तकाजा यही था, सब उसे काम ने उस शरीयत को बचा। लेकिन आज हुसैन अली उस मनसब इमामत पे हुसैन के भी वो गाली आते हैं शरीयत को बचाना, लिहाजा उस दौर का तकाजा था कि उस शजरे इस्लाम को खून देना, खून से अभियान करने की जरूरत था। कि इसलिए इशारे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अगर इस बात को अगर हम गौर से पढ़े फिक्र करें तो हमें यकीनन ज़ात हुसैन भी समझ में आएगा, फिक्र हुसैन भी समझ में आएगा, किरदार हुसैन भी समझ में आएगा, ज़ात हुसैन भी समझ में आएगा। हुसैन क्या है, हुसैन ने क्या किया है, ताली गवाह है कि जनगण इसलिए शायर ने कहा कि शाह हस्त हुसैन बादशाह है दुनिया नहीं बल्कि बादशाह है कौन है हुसैन ताली है। तो हुसैन ने सब कुछ तो कुर्बान नहीं किया लेकिन नदा दस्त दस्त यजीद हुसैन ताली ने अकबर को तो दे दिया, अब्बास को दिया, असगर को दिया, कासिम को दिया, उन मोहम्मद को दिया, हत्ता कि नामों